पुणे के जिलाध्यक्ष हरी सिंह यादव जी, हमारी मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय गोपीलाल जाटव विधायक जी, विधायक पन्नालाल साकी जी, विधायक प्रहलाद भारती जी, श्रीमती ऋषिका अस्थाना जी, जितेंद्र जैन जी, बिलकिस सिंह जी, सभी एक माला में एक प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कमल निशान, नरेंद्र मोदी कमल निशान। बंधुओं, मैं सारी औपचारिकताओं को समाप्त करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं और आमंत्रित करता हूं हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को कि वो आए और शुभ की जनता को मातम करने। माननीय मोदी जी, विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यहां के लोकप्रिय जुझारू नेता, जिनको सुनना ये भी एक सौभाग्य रहता है। हमारे प्रत्याशी और मेरे मित्र भाई श्री जयमोहन सिंह पवैया जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री रवीर जी, गुना के जिला अध्यक्ष श्री भानु रघुवंशी जी, अशोकनगर के जिला अध्यक्ष श्री हरि सिंह जी यादव, शिवपुरी के लोकप्रिय विधायिका बहन यशोदा जी, अशोकनगर के विधायक श्री गोपीलाल जी, श्री पन्नालाल शाक्य, श्री प्रहलाद भारती जी, श्रीमती ऋषिका जी, श्री जितेंद्र जैन जी, श्री मिलकत सिंह जी, श्री नरेंद्र जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, और ऐसी गर्मी में भी जोम और जुस्से से भरे हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाई और बहनों, मुझे शिवपुरी बहुत कारणों से याद है। जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने एकता यात्रा लेकर के हम कश्मीर जा रहे थे तो हमारा एक रात्रि मुकाम शिवपुरी में था, और उस रात को शिवपुरी ने जो स्वागत किया था, सम्मान किया था, उस पल को मैं कभी भूल नहीं सकता। रात को बहुत देर हो गई, बहुत थक करके आए थे, न खाने का मन करता था, ऐसा ऐसे थके हुए थे पूरी यात्रा के अनुसार ही। और देर रात राजमाता साहब ने हमारे दरवाजे को खटखटाया, मैं आधी नींद में दरवाजा खोला,
राजमाता साहब खड़ी थी, हाथ में दूध का ग्लास लेके खड़ी थी। मैंने उनके पैर छुए, मैंने कहा मां आप इतने रात क्यों कर सो रहे हैं? मां आप इतना रात कष्ट क्यों उठा रही हो? नहीं बोले, आप लोग इतनी मेहनत करके आए हो, खाना नहीं खाया हो, दूध पी के सो जाओ। मां का हृदय क्या होता है, और इस पूरी यात्रा में सिर्फ मेरे कमरे में, बाद में मैंने देखा कि यात्रा में हमारे जो ड्राइवर थे, हमारे सहायक थे, करीब 40 से ज्यादा वाली टोली थी, हर एक के पास जाकर के मां ने खुद ने दूध का ग्लास दिया था। भाइयों बहनों, कभी कभी मैं सोचता हूं कहां राजमाता साहब और कहां ये आपके एंटी। भाइयों बहनों, राजमाता ने जो स्थान पाया था वो अपनी नम्रता के कारण, विवेक के कारण, जनता के प्रति एक मात्र प्रेम के कारण पाया था। और जिसको कभी भी न भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भूल सकता है और न ही इस क्षेत्र के लोग भूल सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आज जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके लिए तो जितना कम बोले उतना ही ज्यादा अच्छा है। भाइयों बहनों, मैंने कभी इतना अहंकार किसी का देखा नहीं। सार्वजनिक जीवन में हम भी हैं। यशोधरा जी के साथ मैंने, एक छोटी बहन की तरह मेरे साथ काम किया है, हमें इतना अपनापन सा महसूस होता है। लेकिन ये महाशय पता नहीं क्या, शायद हो सकता है वो कांग्रेस का रोग लग गया होगा, वो कांग्रेस के संग लगने के कारण उनमें सारी बुराई आई होगी। भाइयों बहनों, अहंकार इसने सातवें आसमान पर है कांग्रेस के लोगों का। कभी 5-6 महीने पहले भारत सरकार के ऊर्जा डिपार्टमेंट ने पूरे देश में बिजली के क्षेत्र में कौन कंपनी क्या काम कर रही है, सरकार का कौन इकाई कैसे काम कर रही है, उसका रेगुलर वो एक मॉनिटरिंग करते हैं, उसका हर साल अवार्ड देते हैं। और अवार्ड का समारंभ था, सारे देश के ऊर्जा मंत्री आए हुए थे, सरकार के अधिकारी आए हुए थे, ये आपके यहां के जो महाशय है वो ऊर्जा मंत्री है तो वो भी उसमें आने वाले थे। अचानक सब लोग आए थे, अचानक कार्यक्रम कैंसिल करके वो चले गए। आपको आश्चर्य हो रहा होगा क्यों ऐसा किया होगा, कोई अचानक काम आया होगा, शिवपुरी से कहीं फोन आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं था। मंच पर आने के बाद जब उनको पता चला कि चारों के चारों बेस्ट अवार्ड गुजरात को मिल रहे हैं, इस खुले खोल चले गए। एक भारत संघीय ढांचा है, इस सब राज्य मिलकर के, केंद्र और राज्य मिलकर के देश चला रहे हैं। केंद्र सरकार के लिए कोई राज्य दुश्मन नहीं होता है, केंद्र सरकार के लिए कोई राज्य पराया नहीं हो सकता है। और ये तो मांगने के लिए नहीं आए थे, अपने कौशल्य से देश का भला किया हुआ एक राज्य
आपकी सरकार ने उसको इनाम के लिए चुना था, इसलिए आया था और आप भाग गए। इतना अहंकार भाइयों बहनों, लोकतंत्र में ऐसा अहंकार नहीं चलता है। और भाइयों बहनों, देश को जनता का सेवक चाहिए। हमने शासक बहुत देख लिए भाइयों, अब देश को शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है। और भाइयों बहनों, वे नामदार है तो मेरा ये कामदार चुनाव लड़ा है। अब आवाज को वो पहुंच जाएगा, आपके संकटों के जरिए वो जूझता रहेगा, वो झेलता रहेगा, वो काली पट्टी के ड्रामा नहीं करेगा। मैं आपको वादा करता हूं भाइयों बहनों, हर एक का अपना इतिहास होता है और उस इतिहास के पहचान के लिए एक कपड़े का ध्वज रहता है कि जो जो अपने काम किए हैं तो उस परंपरा का एक झंडा फहरता है, जो काले काम करते हैं वो काली पट्टी बांध करके घूमते रहते हैं। भाइयों बहनों, जब ओले गए मध्य प्रदेश का किसान तबाह हो गया और उसी दिन शिवराज जी का मुझे फोन आया था। वो इतने दुखी थे, इतने परेशान थे। मैंने कभी शिवराज जी को इतना हताश, निराश, परेशान देखा नहीं था। कम बोले, भाई साहब क्या हाल हो गया, मेरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। जैसे अपने परिवार का कोई नुकसान हुआ हो, इतने शिवराज जी उस दिन बेचैन। और बाद में उन्होंने चुनावी कार्यक्रम छोड़ करके हेलीकॉप्टर लेकर के निकल पड़े, किसानों के पास गए, जहां खेत में जगह मिली वहां उतरे और किसानों के सुख दुख की चिंता की उन्होंने। भाइयों बहनों, इसको सेवक कहते हैं। और दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए खेल खेलने वाले, यही के आपके नेता, उनको ओले की चिंता नहीं थी, किसानों की चिंता नहीं थी, वो फर्जी शिलान्यास में लगे हुए थे, वो रिबन काटने में लगे थे, वो तस्वीर निकलवा रहे थे। भाइयों बहनों, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं देश में कि कागज के ऊपर अस्पताल भी बनते हैं। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि कागज पर मरीज भी आ जाते हैं, कागज पर डॉक्टर भी आ जाते हैं और कागज पर दवाई भी हो जाती है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी है, क्या इस प्रकार की बातों को स्वीकार करोगे? मुझे पूरी ताकत से बताइए, स्वीकार करोगे? यह आपके साथ धोखा है कि नहीं है? क्या ऐसे आपके सेवक चाहिए आपको? भाइयों बहनों, मेरे मन पर राजमाता जी के आशीर्वाद का हमेशा हमेशा एक भाव रहता है। और राजमाता साहब के आशीर्वाद के नाते आज मैं कहने आया हूं, आप जय भवान जी को जिता दीजिए, आपके इलाके की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, आपके इलाके की जिम्मेवारी मैं लेता हूं और आपको दिखाऊंगा कि पूरे इस इलाके में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। और मुझे भी संतोष होगा कि राजमाता ने मेरी चिंता की थी, मैं उसके उन कार्य क्षेत्र की मैं चिंता करूंगा, ये मेरे लिए गौरव की घटना। लेकिन भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी, इसे न जनता की परवाह है, न आपके सुख दुख की चिंता है। उनके लिए तो अभी एक ही काम है, बेटे को कैसे स्थापित करें। वन पॉइंट प्रोग्राम,
देश बचे या न बचे, बेटे की कैरियर कैसे बचे, इसी के लिए पूरी हिंदुस्तान की सरकार को दांव पे लगा दिया गया है। और भाइयों बहनों, इनके अंदर जो अहंकार आया है ना यहां के आपके नेता में, उसका कारण भी उनकी दोस्ती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में निर्णय किया हो, प्रधानमंत्री का कार्यालय एक संवैधानिक बहुत बड़ी संस्था होता है, कैबिनेट एक बहुत ही ताकतवर जनता के द्वारा चुनी हुई इंस्टीट्यूट है, उसने जो निर्णय किए हो, प्रधानमंत्री ने जो निर्णय किए हो, और प्रधानमंत्री जब विदेश में हो तो शाहजादे पत्रकार परिषद में वो लिफाफा फाड़ देते। भाइयों बहनों, इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई अपमान नहीं हो सकता है। इतना बड़ा कभी भी भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को किसने नीचे नहीं गिराया होगा जो इसे परिवार ने गिरा दिया है। देश ऐसी हरकतों से तंग आ चुका है और दुनिया में देश की इज्जत खराब होगी इसके कारण। कैसे देश चलाते हैं जब प्रधानमंत्री विदेश में हो, दुनिया के शासकों के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करते हो, उस समय किस भी पार्टी के कौन हो, हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान बना रहे, दुनिया के सामने हमारे देश का किसी व्यक्ति का सम्मान नीचे न गिरना चाहिए, ये देशवासियों के नाते हम सबका जिम्मेवारी होती है। और लेकिन ये अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये अहंकार कांग्रेस में नीचे तक फैल चुका है। और इसलिए भाइयों बहनों, लोकतंत्र में ना आप खुद सही चलती है, ना अहंकार चलता है, और न ही इस प्रकार के लोग जनता जनार्दन का भला कर सकते हैं। भाइयों बहनों, मैं बहुत कम आया हूं शिवपुरी में, फिर एक बार यशोदा जी के चुनाव के लिए आया था, फिर एक बार कार्यकर्ताओं के जब संगठन का काम करता था तो यहां हर गली मोहल्ले में जाता था, तब आया था। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, जितने लोगों से मैंने नमस्ते की होगी, जितने लोगों से मैंने हस्तांदोलन किया होगा, उतने लोगों से आपके प्रतिनिधि ने नहीं किया होगा। ये दूरी, क्या ये दूरी लोकतंत्र का स्वरूप है क्या? लोकतंत्र में तो सेवक जनता के सुख दुख का साथी होता है। और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली सरकार को भी आज गंभीरता से उनको आरोप लगाना चाहता हूं। आप दिल्ली में बैठे, आप न भूलें कि सरकार किसी एक दल के लिए होती है, सरकार देश के लिए होती है। जो राज्य आपके साथ चले उनका भी उस सरकार पर हक होता है, जो राज्य आपके खिलाफ चले उनका भी उस सरकार पर अधिकार होता है। ओले महाराष्ट्र में भी गिरे, ओले मध्य प्रदेश में भी गिरे, महाराष्ट्र में जितना नुकसान हुआ उससे ज्यादा मध्य प्रदेश के किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन ये भेदभाव क्यों? कांग्रेस की वहां सरकार थी इसलिए आपने उनको वहां पैसे दे दिए, तुरंत दिए, ज्यादा दिए, और शिवराज जी को मध्य प्रदेश के खजाने से पैसे निकाल करके यहां के किसानों के आंसू पहुंचने के लिए निकालना पड़ा। ये भेदभाव क्यों? शासन में बैठे हुए लोगों को ऐसा भेदभाव करने का अधिकार नहीं होता है। भाइयों बहनों, मैं उस समय भी जब शिवपुरी आया था
तो मुझे लोग सूचना करते थे साहब सुबह नहाने का पानी थोड़ा कम मिलेगा। आज भी वही हाल है ना, वही है तो वहां ज्यादा बिगड़ा है। जब मैं संगठन का खाब करता था तो जहां भी मैं तो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रहता नहीं था, डायरेक्टर साहब यहां रहता था, तो एक बात जरूर आती थी कि साहब ये शिवपुरी है पानी वाली बहुत कम है, वो गरबा से पहले ही बता देते थे। आज क्या हाल है भाई, कोई हाल है और बिगड़ा है। भाइयों बहनों, इनका जो ये बिगड़ा है ना उसके पीछे कौन जिम्मेवार है, मैं बताना चाहता हूं। आज देखिए मेरे गुजरात में भी पानी की बहुत किल्लत है, अगर ये नर्मदा मैया जो आपके यहां है वो मेरे यहां न होती ना तो शायद हमारा जीना मुश्किल हो जाता और हमारा कच्छ तो रेगिस्तान और उधर पाकिस्तान। कच्छ में से लोग माइग्रेट करते थे, माइनस ग्रोथ होता था, लोग चले जाते थे, उसमें भी भयंकर भूकंप आया। हमारे यहां 2002-03-04 में इस सीजन में अभी तो गर्मी शुरू हुई है 8-9 हजार गांवों में टैंकर से पानी देना पड़ता था, पीने का पानी नहीं था। ये दिक्कत वाला मेरा राज्य। भाइयों बहनों, हमने बीड़ा उठाया कि हम स्थिति बदलेंगे। शिवपुरी भाग के मेरे भाइयों बहनों, ये आपको समझ में आए ऐसी चीज है इसलिए मैं बताना चाहता हूं। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश के किनारे से नर्मदा मैया का पानी उठाएंगे और जो नर्मदा मैया की परिक्रमा करने से पुण्य मिलता है हम ऐसी कोशिश करेंगे कि मां नर्मदा गांव गांव जाए और लोगों को आशीर्वाद दे। और नर्मदा मैया, भाइयों बहनों, हमने पाइपलाइन का काम किया, दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन डाली, दुनिया की सबसे लंबी पीने का पानी की पाइपलाइन, और 9000 गांवों में पीने का शुद्ध पानी ये पाइपलाइन से पहुंचाया। इतना ही नहीं, कच्छ के सीमा पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जहां हमारे बीएसएफ के जवान तैनात है, इनको पीने का पानी मिले इसके लिए भारत सरकार के 900 ऊंट जो एक ही काम करते थे रेगिस्तान में पानी पहुंचा, 900 ऊंट। आजादी के 60 साल के बाद ये हाल था। भाइयों बहनों, हमने पाइपलाइन से पानी पहुंचाया और आज उन बीएसएफ के जवानों को पीने का शुद्ध पानी मिलता है। अभी उस पानी से वो ड्रिप इरिगेशन से सब्जी पैदा कर रहे हैं और ये ताजी सब्जी 60 साल के बाद बीएसएफ के जवानों को खाने का सौभाग्य मिला। कहने का तात्पर्य ये है कि समस्याओं के समाधान खोजने होते हैं, समस्याओं को लेकर के रोते बैठना नहीं होता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये जो पानी पहुंचाया होगा आप आश्चर्य होगा कितना पानी। भाइयों बहनों, हमने जो पाइपलाइन डाली है ना, जो पानी नर्मदा का पहुंचाती है 9000 गांवों में, वो पाइप की साइज ऐसी है कि केंद्र सरकार के आपके ये मंत्री अपने परिवार के साथ मारुति कार में बैठ करके उस पाइप में मारुति चला सकते हैं। वो मारुति में बैठेंगे नहीं क्योंकि उनको जरा शर्म आएगी, उनके उनके रुतबा के अनुकूल नहीं होगी मारुति। लेकिन पाइपलाइन की साइज इतनी है कि आप पाइपलाइन में मारुति कार लेकर के जा सकते हो, पानी पहुंचाने के लिए यह काम किया है। भाइयों बहनों, ये मणिखेड़ा बांध बना है, शिवपुरी को आसानी से पानी मिल सकता है, लेकिन चूंकि हम मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है और ये शिवपुरी है तो उनको लगता होगा ये उनका नेटिव होगा। दिल्ली सरकार, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट उसको परमिशन नहीं देता
और इसलिए इतने सालों से वहां पाइप नहीं लग रही है और शिवपुरी को पानी नहीं पहुंच रहा। अगर ये ताकतवर मंत्री दिल्ली में बैठे हैं और शहजादे जी उनके खास यार दोस्त हैं, मैडम के घर में उनका आना जाना है, अरे कम से कम इतना तो करवा लेते, आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस करवा के मेरे शिवपुरी के लोगों को पानी तो पहुंचा देते हो। भाइयों बहनों, इसलिए मैं कहता हूं जयवान जी जैसा पानी वाला व्यक्ति चुन करके भेजिए, पानी आने की ना तो गारंटी देता। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी देश के लिए बोझ बन गई है, लोगों की आंख में धूल झोंकना एक कांग्रेस की आदत हो गई है, लेकिन अब कांग्रेस वालों को पता चल गया है कि धूल झोंकने के बाद भी अब जनता को सब कुछ दिखाई देता है, इसलिए कांग्रेस ने अभी पार्लियामेंट में एक नया प्रयोग चालू किया है। अब आंख में धूल नहीं झोंकते, आंख में मिर्ची झोंकते हैं, मिर्ची। ये पार्लियामेंट से उन्होंने प्रयोग चालू किया है। आप मुझे बताइए मेरे नौजवान मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने 2009 के अपने घोषणा पत्र में, जो घोषणा पत्र नहीं है धोखा पत्र सिद्ध हो चुका है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। दिल्ली सरकार 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देगी, ये उन्होंने वादा किया था। मैं जरा शिवपुरी के मेरे नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आप कैसे कोई हैं जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? पूरी ताकत से बताओ, कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? आपके गांव में कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? आपके परिवार में है कोई जिसको रोजगार दिया हो? आपके यार दोस्तों में कोई है जिसको रोजगार दिया हो? भाइयों बहनों, इन्होंने आपसे धोखा किया कि नहीं किया? इन्होंने आपसे धोखा किया कि नहीं किया? जो धोखा किया उन्होंने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? जिन्होंने वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? भाइयों बहनों, सवाल कांग्रेस की उम्मीदवार यहां कौन है नहीं है, सवाल है देश को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान के कोने कोने से साफ कर देना पड़ेगा, तब जाकर के देश। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्वालियर की सेवा की है, हिंदुस्तान की सेवा की है, और वाजपेयी जी को तो 6 साल ही मिले थे, 6 साल में वाजपेयी जी ने 6.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया था, 6.5 करोड़, और ये 10 साल से बैठे हैं जिनका रोजगार था वो भी चला गया। भाइयों बहनों, जिस सरकार को वोट बैंक की राजनीति करने के सिवाय कोई एजेंडा नहीं है, जिनको भारत के भविष्य की चिंता नहीं है, जिनको गांव गरीब की परवाह नहीं है, इनसे देश का कभी भला नहीं होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं शिवराज जी को बधाई देता हूं, इतने कम समय में शिवराज जी ने जो कमाल करके दिखाई है भाइयों, कल तक जो मध्यप्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था और ये कांग्रेस के दिग्गज आजकल सुबह शाम लोगों को गालियां देने में मशहूर हो गए हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर, यहां तो कोई उनको पूछता नहीं है, बाहर घूमते रहते हैं,
और पता नहीं कैसी भाषा बोलते हैं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता यही सारी बातें करने के बावजूद भी देश के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए, माताओं बहनों के सम्मान के लिए इनका रवैया क्या है, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ पूरा देश चौंक गया, सारे हिंदुस्तान का लहू गर्म हो गया और देश निर्भया पर जुल्म करने वालों को सजा देना चाहता था, देश मां बेटियों की रक्षा के लिए चिंतित हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैडम सोनिया जी आपके नाक के नीचे दिल्ली बलात्कारियों के लिए नगरी बन गई है, बलात्कारियों के लिए नगरी बन गई है। और आपने जब देश के अंदर आक्रोश हुआ तो बजट के अंदर 1,000 करोड़ रुपए का निर्भया फंड लगाया था बहन बेटियों का सम्मान और सुरक्षा की व्यवस्था बनाने के। भाइयों बहनों, मुझे दुख के साथ कहना है कि उस निर्भया के 1,000 करोड़ रुपये में से देश की एक भी बेटी के लिए ये दिल्ली में बैठी हुई मैडम सोनिया जी की सरकार ने एक नया पैसा खर्च नहीं किया है, एक नया पैसा खर्च नहीं किया है। और भाइयों बहनों, ये किस प्रकार से धोखा देते हैं, पिछले बजट का तो 1,000 करोड़ रुपया वैसे के वैसा पड़ा रहा, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अभी जो इंटरिम बजट दिया उसमें फिर एक बार निर्भया के लिए 1,000 करोड़ रुपया घोषित कर दिया। भाइयों बहनों, देश वादों से तंग आ चुका है, बहुत तंग आ चुका है। अब देश को तो इरादा करने वाला लोग चाहिए, जिनका इरादा पक्का हो ऐसे लोगों की जरूरत है। ये शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाला, 50 साल में जितनी बिजली पैदा हुई थी शिवराज जी ने उसको 2.5 गुना बिजली नई पैदा कर दी, 50 साल में जितने रास्ते बने थे शिवराज जी ने 10 साल के अंदर उसे डबल रास्ते बना दिए, 50 साल में यहां सिंचाई का जितना काम हुआ था उससे 2 गुना ज्यादा काम शिवराज जी ने 10 साल में करके दिखाया। भाइयों बहनों, हिन्दुस्तान में कहीं पर भी जाइए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को काम करने का अवसर मिला है, चाहे गुजरात हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कभी राजस्थान और फिर अब राजस्थान, जहां भी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अवसर दिया है उसकी एक ही प्राथमिकता रही है विकास, उसका एक ही लक्ष्य रहा है लोगों की समस्याओं का समाधान करना, लोगों के सुख में बढ़ोतरी कैसे हो, नौजवानों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, यही उनका मकसद रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया शिवपुरी की जनता मुझे आशीर्वाद दे, राजमाता साहब के जो अधूरे काम है उस पूरा करने के लिए मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, ये चुनाव ऐसा है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले ही लोगों ने उसे नतीजा घोषित कर दिया है, चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है ये जनता को भली भांति पता है, ना पता चुनाव का नतीजा क्या आएगा पता है ना, ये दिल्ली में सरकार रहने वाले ने मैं तो देख लीजिए, ये 16वीं लोकसभा का चुनाव है, 16 मई को नतीजा है और 16 मई के बाद ये सरकार के लोग कहां होंगे इनको अता पता पूरा मालूम है, सरकार का जाना तय है। मित्रों, आपने 60 साल तक शासकों को चुना है, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं एक सेवक को चुन करके देखिए,
भाइयों बहनों, हम अमीरी घराने में पैदा नहीं हुए, न हमारे पिताजी प्रधानमंत्री थे, न हमारे पिताजी मुख्यमंत्री थे, न हमारे पिताजी राजा महाराजा थे, और न ही हमारे पिताजी गांव के कोई सरपंच थे। हम एक गरीब परिवार से आए जिसने बचपन में गरीबी को देखा है, गरीबी को जिया है, गरीब का दुख क्या होता है, इसीलिए मुझे कहीं फोटो निकलवाने के लिए जाना नहीं पड़ता है, मुझे पता है गरीबी क्या होती है। भाइयों बहनों, ये शाहजादे जी सोने की चमक लेकर के पैदा हुए, वो प्रधानमंत्री के बेटे रहे। भाइयों बहनों, उन्हें सुख वैभव सब देखा है, मैं चाय बेचते बेचते यहां आया, और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, मैं आप में से एक, मेरे और आपके बीच कोई दूरी नहीं है, मेरे और आपके बीच में कोई फासला नहीं है, आपके दुख दर्द को मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं, मुझे सेवा करने का मौका दिया, मैं इसलिए आया हूं भाइयों, मैंने मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। आपने कांग्रेस को 60 साल दिए हैं, मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए, मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए। और भाइयों बहनों, 60 साल में जो बुराइयां हुई है ना, 60 महीनों में उसे मुक्ति न दिला दूं तो मुझे कहना हूं, भाइयों बहनों, दिल्ली में सरकार तो बनने वाली है, पक्का है, लेकिन भाइयों बहनों, अब देश को ढीली ढाली सरकार नहीं चाहिए, बैशाखी लेकर के चलने वाली सरकार नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, 3 पहिए की गाड़ी दे दो और 1 पहिया स्कूटर का लगा लो, ऐसी सरकार मत बनाना, 4 पहिए वाली पूरी हवा भरी हुई तेज गति से दौड़ने वाली सरकार दीजिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। और इसके लिए भाइयों बहनों, इस बार देशवासी संकल्प करें, इस बार दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो 300 से भी ज्यादा सीटें जीत करके बनेगी, भाई एक मजबूत सरकार बनेगी। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार जब मजबूत होगी ना देश की, तो अड़ोस पड़ोस के लोग जो आंख दिखा रहे हैं नहीं दिखे, हमें सरकार मजबूत बनानी है, लेकिन किसी को आंख दिखाने के लिए नहीं, लेकिन उनको आंख मिलाने के लिए मजबूर करने के लिए हमें सरकार मजबूत बनानी है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस वाले बड़े खिलाड़ी है, बड़े चतुर है, अच्छों अच्छों को बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। भाइयों बहनों, इतने भोले भाले होकर के चुनाव में आ जाते हैं, ऐसे झुक झुक करके नमस्ते करते हैं, ओहो हो क्या क्या, 200-200 साल का उनका पुराना नाता आपका, ऐसा झुक झुक करके सलाम करते हैं, पता नहीं है, बस जनता जनार्दन ही सब कुछ है। धीरे धीरे पहले वो हाथ जोड़ते हैं, थोड़ा परिचय बढ़ने पर हाथ मिलाते हैं, फिर हाथ दिखाते हैं, फिर हाथ अजमाते हैं, और देखते ही देखते हाथ की सफाई शुरू हो जाती है। भाइयों बहनों, ये हाथ की सफाई बहुत हो चुकी, अब तो देश में इनकी सफाई होना जरूरी है। भाइयों बहनों, जयपाल मेरे बहुत साल पुराना दोस्त है,
हक से मुझे कुछ भी कह सकता है। आप उनको चुन करके भेजिए, मैं ही आपका प्रतिनिधि रहूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। कमल के निशान पर बटन दबाइए, कितनी ही गर्मी क्यों न हो, शादी ब्याह के मौसम क्यों न हो, कई कुल्लू मनाली जाने का कार्यक्रम भी क्यों न बन गया हो, उसके बावजूद भी सबसे पहला काम मतदान। भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए और इस बार मध्य प्रदेश के सारे कमल भेज दीजिए, सारे के सारे कमल चाहिए, इस बार एक भी छूटना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे बीच में आकर उत्साहवर्धन किया। नरेंद्र मोदी कमल निशान, नरेंद्र मोदी कमल निशान, नरेंद्र मोदी कमल निशान।